This conference will now be recorded. मैं अपने व्याख्यान को प्रारंभ करता हूं। आज का विषय हमारा जो है वो सिराबेद विधि अध्याय, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और खास करके ये व्याख्यान में मैंने जो श्रोता वर्ग है उसमें अपने बीएमएस स्टूडेंट्स ज्यादा सम्मिलित होंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन होने की वजह से उस दृष्टि से तैयार किया हुआ व्याख्यान है ये। तो सबसे पहले तो ये नेशनल वेबिनार सीरीज 2020 जो अश्विन रूरल आयुर्वेद कॉलेज मांची हिल से बहुत ही अच्छा उपक्रम चलाया जा रहा है पिछले 15 दिनों से, डॉक्टर चापेकर सर, डॉक्टर तवचिकर सर कोऑर्डिनेशन की वजह से, इनकी वजह से प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव लोखंडे सर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब संचालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले विषय प्रवेश करने से पहले मैं इन तीनों महानुभावों का बहुत ही तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने विषय में प्रवेश करता हूं। तो जो अध्याय का क्रम देखेंगे तो 26वां जो अध्याय है तो उसमें शस्त्र विधि अध्याय जो है इसमें अनुशस्त्रों का वर्णन आया है और अनुशस्त्रों में विशेषतः वर्णन जलौकावचरण जो स्थानिक रक्तमोक्षण के लिए ज्यादा प्रचलित है उसके लिए हमें विस्तृत वर्णन उसका मिलता है। आगे जब जाएंगे तो उसी श्रृंखला में ये सार्वदेहिक रक्तमोक्षण की पद्धति सिराव्यद या सिरावेद होने की वजह से अध्याय क्रम में 26वें अध्याय के बाद 27वां अध्याय सिराव्यद विधि अध्याय आता है। तो उसका रक्तमोक्षण सार्वदेहिक रक्तमोक्षण के लिए उपचार पद्धति होने के कारण पहले हम उसके ऊपर फोकस करेंगे विषय प्रवेश करने के लिए। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि चरकाचार्य जी ने पंचकर्मों में रक्तमोक्षण की गणना नहीं की है, अपितु सुश्रुताचार्य और वाग्भटाचार्य इन्होंने रक्तमोक्षण को पांचवा कर्म के तौर पे रक्तमोक्षण का वर्णन आया है। इसके बाद जाएंगे हम रक्त मोक्ष, ये दो शब्दों से ये शब्द बना है, और रक्त को मुक्त करना, रिलीव करना, और खास करके वह दूषित रक्त है यह ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कि रक्त इस शब्द से ही हमें क्या ज्ञात होता है, तो कलर डाइड टिंच या पेंटेड, तो ब्लड कलर जो होता है वो क्रिम्सन रेड कलर होता है, पोस्टल रेड कलर नहीं होता, तो यह उससे ज्ञात होता है। और मोक्षण शब्द जो है वो रिलीव के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए, तो लेट इट आउट, ये शब्दों से रक्त मोक्षण शब्द बना है। अभी अध्याय के नामकरण की तरफ आते हैं। सिरा, प्रायः ये शब्द जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर के लिए, स्रोतस के लिए, धमनी के लिए यानी आर्टरी, वेन या फिर नर्व, इन तीनों के लिए उसका वर्णन हमें साम्यता मिलती है। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा आज डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके परिपेक्ष में जाएंगे तो सब संदर्भ अगर एकत्रित करेंगे तो मुख्यतः वो वेन की तरफ जो दूषित रक्त को प्रवाहित करती है या वहन करती है उसकी तरफ इंगित करता है यह शब्द। और व्यध यानी उसका वेध करना या उसको पंक्चर करना सीधी भाषा में। और विधि शब्द क्या हमें पता चलता है, उसे थेरापेटिक, ये प्रोसीजर है जिसकी गणना शोधन में उसकी गणना की जाती है। तो आधुनिक शास्त्र में भी वेनेसेक्शन या फ्लेबोटॉमी कई जगहों पे की जाती है, वो सिर्फ रक्तमोक्षण आयुर्वेद दृष्टि से नहीं होती लेकिन यह विधि बताई गई है। सो जैसा कि चरकाचार्य कहते हैं बस्ती चिकित्सा यह आधी चिकित्सा है, वैसे ही सुश्रुताचार्य भी इस चिकित्सा को, रक्तमोक्षण पद्धति को, खास करके सार्वदेहिक रक्तमोक्षण के लिए सिरावेद उपयुक्त होने के कारण उसको आधी चिकित्सा कहते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक। अगर दोषों की दृष्टि ज्यादा है तो उसके लिए आप स्थानिक रक्तमोक्षण उसके लिए पर्याप्त नहीं होता और उसके लिए केवल और केवल सार्वदेहिक रक्तमोक्षण या सिरा
दस्तावेज करना ही आवश्यक होता है। जैसा अभी हमने थोड़ी उसके जानकारी देखी तो विभिन्न पद्धतियों से यह शब्द हमें ज्ञात होता है और उसको हमने कंक्लूड किया सिरावेद की तरह। अभी चरकाचार्य ने केवल सूचीवेद इस दृष्टिकोण से ही रक्त मोक्षण का संदर्भ या उल्लेख किए हैं, लेकिन स्वतंत्र उपचार पद्धति के तौर पे इसको उन्होंने वर्णन नहीं किया। अभी संक्षेप में इस तालिका में आप सामने देख रहे हैं शस्त्र प्रयोग और अनुशस्त्र प्रयोग। अभी शस्त्र प्रयोग से जो रक्त मोक्षण किया जाएगा वो सार्वदेहिक है, उसी को सिरावेद कहते हैं, और अनुशस्त्र प्रयोग यानी जलह का श्रृंग अलाबु यंत्र प्रायः घटी यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है, ये सब हो जाते हैं स्थानिक रक्तमोक्षण या अनुशस्त्र प्रयोग से किए जाने वाली रक्तमोक्षण पद्धति। तो इसमें से विशेषता 26वें अध्याय में जिसका संक्षेपतः उल्लेख है, प्रच्छान कर्म है, उसमें श्रृंग है, अलाबु है या घटी यंत्र का भी उसमें उल्लेख है या थोड़ा बहुत वर्णन भी मिलता है कहाँ हमें उसका प्रयोग करना है। लेकिन सार्वदेहिक रक्तमोक्षण के लिए केवल और केवल सिरावेद आवश्यक है। तो जैसा कि रक्त के पीछे क्यों है, पंचकर्मों में वात पित्त कफ इन तीनों तीन ही दोष है, ऐसा कहने के बावजूद भी वाग्भटाचार्य रक्त को भी एक प्रधान धातु के तौर पे घटक मानते हैं और किन्हीं व्याधियों में रक्त मोक्षण की आवश्यकता होती है या उसके सिवा व्याधि हम बिल्कुल ही चिकित्सा उसकी नहीं कर सकते, और इसके वजह से रक्त धातु को महत्व होने की वजह से उसकी पंचकर्म में उसकी चिकित्सा भी करना आवश्यक है और उसकी गणना वाग्भटाचार्य जी ने भी की है। तो रक्त सबसे पहले है क्या, इसकी और अगर हम जाएंगे ज्यादा डिटेल में तो आज का समय पर्याप्त नहीं होगा एक घंटे का। आगे जाएंगे वाग्भटाचार्य जी के श्लोक जहां से शुरू होते हैं उसकी तरफ हम अभी ध्यान देंगे। सबसे पहले मधुरम लवणम किंचित, इस शब्द से हमें ज्ञात होता है कि रक्त धातु जो है उसका प्राकृत स्वरूप कैसा है। तो मधुरम लवणम किंचित इस शब्द से विशेषतः उसका रस, उसका रूप वर्णन है, मधुर और हल्का नमकीन ऐसा उसका रस, उसका स्पर्श बताया है समशीतोष्ण, और द्रव रूप असंहत ऐसा शब्द है, और उसकी जो तुलना की है उपमान प्रमाण उसके लिए सबसे अच्छे बताए, जिसके फोटो कलेक्शन करने का इस स्लाइड्स में मैंने प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले के वो लोटस यानी जो लाल कमल रहता है उसके तरफ, इंद्रगो जिसे रेड माइट भी कहा जाता है, और बारिश के बिल्कुल शुरुआती दिनों में ये जो कीटक है हमें दिखाई देता है, खास करके खेती में, खेती करते वक्त ये हमें दिखाई देता है। सुवर्ण, तपा हुआ स्वर्ण जिस प्रकार का रंग का होगा, या फिर और दूसरी दो उपमा दिए है, शिप रैबिट यानी आवि या शश इनके रक्त के समान। तो ये चारों ही चित्र यहाँ पे नीचे दिए है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल ब्लड का जो है कलर इस प्रकार से होना चाहिए या रक्त धातु का कलर होना चाहिए। तो शुद्ध रक्त की बिल्कुल ही नितांत आवश्यकता है, उसका हमें कर्म भी पता है, प्रीणमम जीवनम लेपो या स्वतंत्र कर्म भी बताए उसके, तो ये बहुत ही आवश्यक है। जीव इति स्थिति ऐसे बताया, तो ये जीव होने की वजह से, जीव स्वरूप होने की वजह से उसका प्राकृत स्वरूप बहुत ही आवश्यक। आगे अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट श्लोक में हमें मिलता है कि अगर यह रक्त दूषित हो जाए तो इससे कौन से व्याधियां उत्पन्न होती है। तो ये श्लोक नंबर 3 से लेके 5 तक यही चीज बताई है, दूषित रक्त हो जाए तो उससे विसर्प, विद्रधि, प्लीहा, गुल्म, अग्निमांद्य, ज्वर, मुखरोग, इस प्रकार की हमें तालिका मिलती है व्याधियों की अनेक। और इन व्याधियों का अगर आप वात पित्त कफ इस दृष्टि से भी अगर दूषित हुए, इस दृष्टि से हमने चिकित्सा की तो भी उसके फल प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए सिरावेद बिल्कुल ही आवश्यक है। और कुछ व्याधि बताए जैसे लवणास्यता है, ठीक है, वाताश्र यानी वात रक्त, ठीक है, पित्ताश्र, इस प्रकार के अनेकों व्याधि बताए हैं। उनसे संक्षेप में नीचे दिया गया है डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स लाइक कुष्ठ, विसर्प, कंडू, पोट, पीड़का, ग्रंथि, अर्बुद एक्सेट्रा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक शोफ, विद्रधि एक्सेट्रा, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स
ज्वरा गुल्म अग्निसाथ, ज्वाइंट अफ्लिक्शन सच एज वात रक्त संधिवात, टॉक्सिक स्टेट्स सच एज विष दूषित रक्त, मुख रोग, नेत्र रोग, शिरो रोग, इस प्रकार के और वात पित्त कफ की चिकित्सा करने के बाद भी जिन व्याधियों में हमें यश प्राप्ति नहीं होती उसके लिए बिल्कुल ये इंडिकेशन है फॉर सिरादिल। तो ये संक्षिप्त है, इस आप स्लाइड जो सामने देख रहे हैं इसमें इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिल्कुल संक्षिप्ता कह दिए है, इंडिकेशंस का अभी उल्लेख किया है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम देखें। इन व्याधियों में अष्टांग हृदय कार्य करते हैं, तेषु स्रावयितुं रक्तम उद्रिक्तम व्यधयेत सिरा, यानी इन व्याधियों को अगर आपको एड्रेस करना है, ट्रीट करना है, तो आपको सिरावेद अत्यंत आवश्यक है, उसके सिवा ये हो ही नहीं सकता। अभी आता है कि सिरावेद आवश्यक है, लेकिन उसके लिए जो सामने व्यक्ति या रुग्ण है वो फिट है या नहीं है, तो सबसे पहले अर्हता या अनर्था, अनर्हता पंचकर्मों में देखी जाती है और अनर्हता को बहुत ही सीरियसली हमने देखना चाहिए। अनर्हता अगर आप देखेंगे विशेषतः वो बताई गई है, संक्षेपतः मैं आपको बताऊंगा चाहूंगा, बिलो 16 इयर्स और अबव 80 इयर्स, अस्निग्ध, अस्वेदित, अतिस्वेदित, अतिक्षीण, शोष व्याधि जिसे हुआ है, पहले से पांडु रोग है, छर्दी है, अतिसार है, इन व्याधियों में बिल्कुल ही नहीं करना है, और खास करके गर्भिणी, सूतिका, इन व्याधियों में भी यह निश्चित है। आगे हम कुछ वीडियोस भी देखने वाले हैं तो हमें इनकी महत्ता पता चलेगी या प्रोसीजर कैसे करना है यह हमें ध्यान में आएगा। तो ये बड़ी लिस्ट दिखा दी, तो कई जगह पे अष्टांग हृदयकार उसका 70 एज मैक्सिमम कहते हैं और अन्य जगह पे 80 भी बताया है। तो इन व्याधियों में क्यों नहीं करना है, सब संक्षिप्तता एक एक व्याधि का डिटेल्स जाने से पहले हम देखेंगे कि रक्त धातु अगर विकृत भी है तो उसको अगर निकाला जाएगा शरीर में से तो ये व्याधियां जो है वो बढ़ेगी और खास करके वात दोष है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इन व्याधियों में सिरावेद जो है वो निषिद्ध कहा गया है। अभी वन बाय वन इसमें और आगे जाएंगे हम, तो कैसी स्थिति में हमने रक्तमोक्षण करना है। तो स्निग्ध शरीर करने के बाद ही हमने करना है, ये तो हो गया, लेकिन फिर भी तैयारी कैसी करनी है। तो नायंत्रिताम सिराम विधेय न तिर्यग अपि अनुत्थिता, इस प्रकार से वो सिराए जो है वो उत्थित ही होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में ही उनको पंक्चर करना, यानी उत्थित होने के लिए हमें टर्निकेट लगेगा, हॉरिजॉन्टली उसको हमने छेद करना है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ प्रिकॉशंस हमें छठे और आठवें श्लोक में बताए गए हैं। विशेषता ये जो स्थितियां है ये सिरावेद विधि हमें डिटेल में वर्णन करती है, उसको हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे बताया है उस क्रम से पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ऐसे उसको विभाजित करके ही हम आगे जाएंगे। अभी ये जो आपके सामने श्लोक है वो विशेषता स्थिति बता रहा है कि ऐसे स्थिति में या ऐसे वातावरण में उसको करना है जहां अति शीतता, अति उष्णता या अति हवा नहीं है और फिर भी अभ्राच्छादित ऐसा दिन नहीं होना चाहिए। अभी श्लोक नंबर 9 से आगे जो वर्णन आता है तो विशेषतः वो किस प्रकार से करना है उसके लिए बता। अभी देखिए ये सामने जो स्लाइड है इसमें है, तो किस प्रकार से उसको कहा, किस जगह पे उसको करना है स्वेद, सॉरी सिरावेद, उसके हमें डिटेल्स बताते हैं। जैसे उन्माद है तो उरस्थान या अपांग मर्म या ललाट की जगह करना है, उसका वीडियो हम देखने वाले हैं। अपस्मार है तो हनुसंधि की जगह, ठीक है। इस प्रकार से विद्रदी है तो पार्श्व कक्षा इस जगह करना है, तृतीय ज्वर में अंश मध्य की जगह करना है, गल रोग में विशेषता गलगंड में उरु स्थान पर करना है, शिरो रोग में अगेन नेत्र रोग में ललाट अपांग इस प्रकार से करना है, कर्ण रोग में फिर कर्ण के समीप करना है, पीनस व्याधि में नासा या ललाट की जगह करना है,
आपको ये लिटरेरी रिव्यू लगेगा, लेकिन हमें जो आगे प्रोसीजर देखनी है वो समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अभी सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्षिप्र मर्म की जगह आपको सामने दिख रहा है। क्षिप्र मर्म की जगह कौन सी जगह करना है, क्षिप्र मर्म कौन सा है, तो वो पहले आपको अध्ययन में आना चाहिए, तो ही हम ये जो सिरा वेद है तो अच्छी तरीके से करते हैं। आपको शब्द से ही डर लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार इसके प्रैक्टिस कर ले तो ये बिल्कुल ही, जिसको स्काल्पेल स्काल्पेल लगानी आती है या जिसको स्काल्पेल ब्लेड इस्तेमाल करना आता है वो आसानी से कर सकता है। सिरावेद विधि का जो वर्णन है वो मैं आगे करूंगा, विशेषतः जो हमने देखा कि 16 वर्ष के आगे ही इसको करना है। तो सिरावेदन करने के पहले जैसे कि हमें पद्धति है हमारी, विशेषतः स्वस्ति वाचन मांगलिक कार्य ये सबसे पहले कराने हैं, उसके बाद में उसको टोर्निकेट जैसे रस्सी है या कोई कॉटन बैंडेज है उसको पहले ऊपर की जगह टाई करना है, और फिर कुठारी का शस्त्र से या व्रीहिमुख शस्त्र से उसको हमने छेद करना। तो ये श्लोक के जो अर्थ है वो हम थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तैयारी करनी है दो चीजों की, एक तो उपकरण या यंत्र कौन से लगेंगे और रुग्ण की तैयारी क्या करनी। तो स्नेहन कर्म कराना जरूरी है, विशेषतः यहाँ पे मांस रस और वो मिला के करना है घी के साथ चावल, मांस रस और घी और चावल इकट्ठा, यानी ये ऑप्शन है एक दूसरे के लिए। उसके बाद में स्वेदन कर्म करना है, बहुत जगह पे निरग्नि स्वेद कर्म करने की आवश्यकता है, या कुछ पद्धतियों में तो वमन या विरेचन जैसे 5 दिन उसको आभ्यंतर बाह्य स्नेहपान करवाया जाता है, स्वेदन करवाया जाता है, और फिर पित्त उद्रिक्त होने के लिए या दूषित रक्त जो है वो बाहर निकालने के लिए उसको प्रवोक करने के लिए उसको लस्सी ऐसा कुछ दिया जाता है जिससे और दूषितता बढ़ जाए। जैसे वमन विधि में विशेषतः दही और चावल दिया जाता है या उड़ीद वड़ा दही के साथ दिया जाता है उसी पद्धति से, ठीक है। तो ये भी एक पद्धति व्यवहार में है। अभी ग्रंथ में जो लिखा है उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो सबसे पहले हमें अगर समझिए रिस्ट जॉइंट पे हमने रक्तमोक्षण करना है या क्यूबाइटल फोसा में हमें क्यूबाइटल वेन से करना है रक्तमोक्षण, तो उसकी ऊपरी तरफ ठीक है प्रॉक्सिमल की तरफ आप उसको बैंडेज से टाई करेंगे या टोर्निकेट से टाई करेंगे और फिर रक्तमोक्षण आप करो। तो विशेषतः वेन का जो आकार रहेगा उस पद्धति से ही आपने उसको सिरावेद के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे 16 नंबर से लेके 25 तक आप उसके लिए नीडल यूज कर सकते हो। टूर्निकेट आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, बैंडेज लगेगा आपको, कुछ आपको डिसइंफेक्टेंट लगेगा और फिर बैंडेज ड्रेसिंग बैंडेज लगेगा, इन सब चीजों की तैयारी होना आवश्यक है, ठीक है। अभी ये जो हॉट और कोल्ड वाटर है, गॉस पीसेस है, ये सभी चीजें जो है हमें आवश्यक है, उनकी तैयारी करनी है। रुग्ण तैयारी हमने स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म करके की गए, मटेरियल्स जो है वो हमने इकट्ठा कर दिए है, ठीक है। और फिर अगर आपको ये डिसइंफेक्टेंट स्पिरिट या फिर और कुछ साबुन वगैरह यूज नहीं करना है तो आप त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ भी यूज कर सकते हैं। फिर प्रधान कर्म के लिए विशेषतः आपको व्रीहिमुख शस्त्र या लैंसेट भी आप यूज कर सकते। तो सबसे पहले मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपको सिरावेद से करनी है उसके लिए 1 प्रस्थ इतना उसका प्रमाण बताया है, तो उत्तम मात्रा वह 1 प्रस्थ यानी 768 मिलीलीटर, आधा प्रस्थ मध्यम मात्रा और 1/4 प्रस्थ जो है वो हीन मात्रा यानी 192 ml बताइए। अभी जरोकावचरण में या प्रच्छान में ज्यादा से ज्यादा 5 ml से लेके 15 ml तक यानी 5 से 15 ml तक ही ब्लड लेटिंग हम कर पाते हैं, लेकिन दोषों की दृष्टि अगर ज्यादा है तो हमें वो स्थानिक रक्तमोक्षण उतना इफेक्टिव या कारगर नहीं रहता है, इसलिए हमने मैक्सिमम क्वांटिटी जो है अगर दूषितता ज्यादा है तो निकालने के लिए हमें कम से कम मध्यम मात्रा में तो सिरावेद करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये श्रावण प्रमाण जो बताया है
वो श्रावण प्रमाण वो बल के ऊपर भी है, उसको हम जनरलाइज बिल्कुल ही नहीं कहते। आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज मेडिसिन, तो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ही उसको करना है। तो विशेषतः बलवान रोगी है तो उसका अशुद्ध रक्त एक बार में एक प्रश्न से अधिक नहीं निकालना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट हमें अष्टांग हृदयकार बताते हैं। अगर उससे अधिक मात्रा में हमने रक्त को निकाल दिया तो उस व्यक्ति को अत्यंत कष्टकारक वात रोग हो सकते हैं या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है इसलिए हमने प्रस्तुत किया, ये बहुत ही आवश्यक है कि उसको मैक्सिमम जो है बलवान व्यक्ति है तो भी उसको 768 ml के आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो पश्चात कर्म को देखेंगे। अभी 768 मैंने किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया, मैं 150 या 200 ml तक हमने किया। तो पश्चात कर्म में विशेषतः जो है वो वुंड की केयर जो है वो करना आवश्यक रहती है। अभी इसमें कुछ और भी डिटेल्स हमें ग्रंथकार बताते हैं, अगर वो ग्रथित रक्त है उसमें अगर ठीक से नहीं निकल पाता तो किस दृष्टि से उसको निकालना है, उसके भी हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे पता चलते हैं। ठीक है, तो हम एक ही मिनट उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कुछ स्लाइड्स को सामने लेके। तो आपको विशेषतः ललाट प्रदेश में जो रक्त मोक्षण किया जाता है उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए फ्रंटल वेन से किस प्रकार से किया जाता है वो देखेंगे, और फिर आगे वो जो हमारा लिटररी पार्ट है उसकी तरफ हम थोड़ा और फोकस करेंगे। सबसे पहले एक कर्टसी वीडियो हमने जो लिया है उनके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे, विशेषतः अग्निवेश फर्म जो है उनसे हमने साइट से ये लिया हुआ है। तो ललाट प्रदेश से करना है, ये सुप्रा ट्रॉकुलर वेन से विशेषता किया हुआ है। देखिए तो टूर्निकेट जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अभी गल मार्ग पे इसको करना है, इसलिए रुग्ण को या कोई उपस्थाता है उसको एक चार उंगली बीच में डाल के फिर उसके ऊपर टूर्निकेट जिसे बैंडेज कहा जाता है, एक क्रेप बैंडेज उसको टाई किया है, तो इससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो है इलास्टिसिटी होने की वजह से ज्यादा मिलती है और उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है। और फिर ये सुप्रा ट्रॉकुलर वेन जो है उसको क्लीन किया, उसका उत्थापन ठीक से हुआ है इसको पहले क्लियर किया, और फिर उसको प्लेन जो नीडल है सिंपल 18 नंबर नीडल आप देखिए उत्थान वो सिराओं का अच्छी तरीके से हुआ, इसलिए क्लोजअप लिया है। यहां पे देखेंगे टूर्निकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप अगर टूर्निकेट या बैंडेज वो टाई नहीं करोगे तो उत्थापन ठीक से नहीं होता है, और हाथ से या किसी और चीज से करने का प्रयास करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट अगर ब्लड लेटिंग के लिए लगाना है तो वो प्रेशर कम ज्यादा होने की वजह से फ्लो नहीं मिलता और बार बार पंक्चरिंग करना पड़ता। ठीक है, आप वो देख रहे हैं उसकी नोक जो है उसके ऊपर होनी चाहिए और अपनी तरफ जो है पूरी धार जो है एक प्रकार की वो चालू हो जाती है।
और देखो कि आगे किस प्रकार से वो कंटिन्यू फ्लो जो है बिल्कुल ही रुका नहीं है। आपको रोकने वक्त टर्निंग को तो लूज करना जरूरी है, और वो लूज करोगे आप तो फ्लो बिल्कुल ही धीरे धीरे कम होने लगता है, और वही जो तरीका है वो होना चाहिए शिरावे के वक्त। आप अगर रक्त का वर्ण देखने का प्रयास करेंगे तो आप ईशत कृष्ण इस प्रकार का वो है, और विशेषता यह रुग्ण जो है उसको ललाट प्रदेश से किया जा रहा है। मैंने तीन एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं, एक ललाट प्रदेश से लिया है, एक गुल्फ संधि की ओर से, और एक अपने क्यूबाइटल फोसा से, या जिसको हम कुरपर संधि करेंगे उस जगह से यहाँ पे किया। देखिए अभी उन्होंने रोका है और फिर टूर्निकेट को अनटाई करने का प्रयास किया, लेकिन टूर्निकेट को पहले निकालना चाहिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि टर्निकट को आप निकालोगे पहले तो अपने आप जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम स्लाइड्स की तरफ जाएंगे, ये ड्रेसिंग जो है वो हम स्किप कर देंगे इस स्लाइड में से। तो सम्यक विद्ध हुआ है, इसके लिए अभी जो मैंने कहा संयम विद्धा श्रवेत धाराम यंत्रे मुक्ते तु न श्रवेत, तो ये जो है एक धारा युक्त इस प्रकार से वो रक्त निकलता है, और आप जैसे ही उसका कंट्रोल या जो उसका टर्निकेट है वो आपने रिलीज किया तो ब्लड फ्लो जो है वो अपने आप रुक जाता है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले वीडियो दिखाया। तो असम्यक जो है, असम्यक विद्ध यानी हीन, उसकी शुद्धि अगर हुई है तो इस स्थिति में क्या करना है वो हम देखेंगे। तो अल्पकालम बहुत ही अल्पम दुर्विद्धा तैल चूर्ण, ये जो पद्धति है कि अगर कम मात्रा में ब्लड फ्लो आ रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है, बीच में ही रुक रहा है, तो ऐसे स्थितियों में वहां पे तिल तेल और चूर्ण, विशेषतः जो लाइम पाउडर, ये मिक्सचर वहां पे रब कर। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर हमने बोर अच्छा नीडल का लिया है 16 से 18 नंबर का, तो ये स्थिति आती ही नहीं, और टर्निकेट अगर आपने अच्छे से ट्राई किया है तो मेरे ख्याल से तो वो स्थान जो है वो बदल के हमने फिर टर्निकेट अच्छे से टाई करके वो निकालना चाहिए, लेकिन ये प्राचीन पद्धति है उसका भी उल्लेख करना आवश्यक है। अगर आपने अति मात्रा में ब्लड फ्लो हुआ तो वो ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल ही नहीं रुकता है, ऐसी उसकी स्थिति आती है, तो इसको हम दुर्वेद या हम क्या कहेंगे उसको, अति योग कहेंगे। तो हमें ये हीन योग और अति योग इन दोनों को अवॉइड करना है, और पहला जो हमने सम्यक विद्ध जो देखा है उसके लिए जरूरी है। तो जैसा कि वमन और विरेचन के लिए पूर्व कर्म अत्यंत आवश्यक है, वैसे ही रक्त मोक्षण के लिए भी सार्वदेही आवश्यक है। तो ये रक्त बाहर क्यों नहीं निकलता, इसके अनेकों विध कारण यहाँ पे चर्चा की गई। जैसे पहले, सबसे पहले तो रक्त का लालिमा देख के भले भले डॉक्टर लोग भी या स्टूडेंट भी परेशान हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं, तो भय यह एक उसका मुख्य कारण है, मूर्छा, और सबसे पहले यंत्रण कर्म का ढीलापन। अभी यह यंत्रण कर्म यानी क्या है, टू टाई द टूर्निकेट, या फिर कुंठित सिरा होने की वजह से, या समुचित उसका छेद न होने की वजह से। अभी आज हम स्कालपेल यूज कर रहे हैं, लेकिन उस समय पे कुठारी का शस्त्र या ब्लेड यूज किया जाता, तो ऐसे स्थिति में सिरा वेध के रक्त न निकलने के ये प्रमुख कारण होने की वजह से इन कारणों को हमने टालने का प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए ऐसे स्थिति में रक्त श्रावण जो है उचित रूप से उसमें नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो ऐसे स्थिति में विशेषतः
शिरावेद करने के बाद मुख मार्ग पर उस स्थान पर विशेषता ये जो है ब्लेड लगाने के बाद मैं बोल रहा हूँ आपको वेनेसेक्शन या फ्लेबोटॉमी जैसा प्रोसीजर एक्चुअली शिरावेद में अपेक्षित है। तो व्यध और वेध इसमें भिन्नता है। व्यध यानी वेनेसेक्शन, ठीक है, पूरा उसको आधा जो है वो कट लेना है आपने वेन को, और वेध यानी जैसा अभी हमने यूट्यूब स्लाइड में वीडियो में देखा उस प्रकार से। तो व्यध अगर किया जाए तो ये मुख मार्ग पे विडंग चूर्ण या त्रिफला चूर्ण सॉरी त्रिकटु चूर्ण हल्दी ये जो उपाय बताए हैं ग्रंथ में ये तेल मिलाकर उसको वहां लेप लगाना है, इस पद्धति से रक्त श्रावण का वहां पे उपाय ग्रंथोक्त है। लेकिन व्यवहार में आप पूछोगे कि मैं व्यवहार में ये करता हूं क्या, तो मैं ये बहुत प्रामाणिकता से आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि आज के साधन ऐसे हमें यहाँ अवेलेबल है हर जगह पे कि उसको अगर आप केयरफुली टेक्निक आ जाए। सौभाग्यवश मैं जब अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 99 जनवरी में ज्वाइन हुआ तो उस वक्त पंचकर्म विभाग का मैं मेडिकल ऑफिसर था और वो मुझे सेवा करने का अवसर मिला 2006 तक। तो उस समय जो भी हमने विधियां की तो वो ही मेरे पूरे आयु को जो है या जीवन को परिवर्तित करने वाली, या चरकाचार्य जी ने या वाग्भटाचार्य जी ने भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में तैल घृत मधु परम औषध है या पंचकर्मों का उपयोग से कोई भी व्याधि हम उसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इसका बहुत ही। और मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो सभी अनुभव वहीं से मुझे प्राप्त हुआ है और उसका चिकित्सा के लिए आज तक भी मुझे बारंबार उसका उपयोग हो रहा है। तो ये पूरा क्रेडिट जो आ जाता है तो अष्टांग आयुर्वेद हॉस्पिटल का जो पंचकर्म डिपार्टमेंट है जिसने मेरी ये विधियां बार बार कर पाया और उसके वजह से मैं दृष्ट कर्मा ये होने के साथ साथ भी बार बार अभ्यास होने की वजह से उसमें कुछ कर्म करने का मैं आज तक प्रयास कर रहा हूं। आगे जाएंगे, आपने ब्लड लेटिंग कर दिया या रक्तमोक्षण कर लिया, शिरावेद कर लिया, लेकिन उसकी कुछ आवश्यक चीजें हो जाती है। यंत्रम विमुच्य मूर्छायाम विजिते व्यजने ही पुनः। तो कभी कभी क्या हो जाता है वो रक्त देखने के वजह से रुग्ण जो है वो मूर्छित हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या हमने केयर करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपने वो जो यंत्र विमुच्य, यंत्र जो शब्द यहाँ पे आया है वो टूर्निकेट के लिए आया है, उसको हमने रिलीज करना है सबसे पहले और वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे उस व्यक्ति को ले जाना है। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि उसको कॉन्शियस करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि ये उपयुक्तता होती है इन चीजों के ग्रंथों में बताई है या नहीं, बहुत ही कारगर होती है, सिंपल टेक्निक्स है लेकिन बहुत ही उपयुक्त टेक्निक्स है ये। और फिर उस दिन उसको मूर्छित हुआ है इसकी वजह से उसका जो फोबिया है भय जो है वो निकल जाए और फिर उसको दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन उसको रक्तमोक्षण करा। जो रक्त बाहर निकलता है तो वात दूषित है, पित्त दूषित है, कफ दूषित है। देखिए वात पित्त कफ यानी वमन विरेचन और फिर सॉरी सबसे पहले बस्ती वमन विरेचन वात पित्त कफ क्रम से ये कर लिया है और फिर भी अगर व्याधि पे हम विजय या उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे, उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें रक्तमोक्षण एकमेव हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो वात के लिए भी उपयुक्त है, पित्त के लिए भी, कफ के लिए भी, असाध्य व्याधि भी इससे ठीक होते हैं। और पूना में सबसे प्रसिद्ध आपने भी सुने होंगे वैद्य राघव गोपटे सर है, उनके पास भी सीखने का हमें इसका बहुत ही हम सौभाग्यवान समझते हैं कि हम उनसे सीख पाए। और वो तो बिल्कुल सिंपल विदाउट एनी पूर्व कर्म या प्री प्रोसीजर करवाते थे, बिल्कुल नीडल की फाइन नीडल उनके पास हमेशा होती थी और रक्तमोक्षण करवाते थे। और रुग्ण की वेदना है, हमने जो व्याधियों की लिस्ट देखी उसमें हमें उपचय जो है वो बिल्कुल एज अ मिरेकल मिलता था। तो वात दूषित रक्त के, पित्त दूषित रक्त के, कफ दूषित रक्त के लक्षण क्या है? तो जैसे शा वरुण वृक्ष इस प्रकार के जो रहेंगे लक्षण वो वात के है, पित्त के जो है वो असित इस प्रकार से पित्त ऐसे रहेंगे, उसको बहुत ही
यानी रक्त बाहर निकलने के बाद हमें पता चलेगा कि वात दूषितता थी, पित्त दूषितता थी या कफ दूषितता थी, या दोषों का संसर्ग था या सन्निपात था, और सन्निपात जो है वो रक्त जो है मलिन और आविल रहता है, यानी उसका कलर जो है वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे वो काला है या पीला है, तो वो जो रहेगा वो ठीक ज्यादा रहेगा। हमने रक्त मोक्षण के वक्त उसको मध्यम मात्रा में करना चाहिए, यह मैं व्यवहारिक आपको बता रहा हूं, हालांकि ग्रंथ में अति मात्रा या उत्तम मात्रा हीन मात्रा भी बताई है। फिर भी क्या हो जाता है, हम अगर कंट्रोल मैनर में ही शिरावेद करें तो वो अच्छा है व्यवहारता, क्योंकि अगर कुछ दोष जो है वो शेष भी रह जाए रक्तम जीव इति स्थिति, तो उससे मृत्यु भी हो सकता है अति मात्रा में अगर उसका मोक्ष किया गया तो कुछ शेष दोष भी रह जाए तो उस शेष दोषों को अन्य जो पद्धतियां हैं जैसे श्रृंग है, प्रच्छान कर्म है, जलव का है, या लाभ यूज नहीं किया जाता लेकिन डॉक्टर नरेंद्र गुजराती ने जो सिरिंज मेथड यूज किए है जो हमें सक्शन की तरह काम करती है, उसको उपयोग करके हम वहां का रक्त जो है वो शेष मात्रा निकाल सकते हैं, या फिर शमन चिकित्सा से भी उसको हम जो है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसलिए अति मात्रा में रक्तमोक्षण जो है शिरावेद में हमने उसका जो है वो आकर्षित उसके तरफ नहीं होना चाहिए, आज ही हम व्याधि को खत्म कर देंगे इस प्रकार से सोचना ही यही है, ये सूचना के तौर पे या बहुत ही आवश्यक बात मैं आपको बता रहा हूं। आगे स्तंभन चिकित्सा करना आवश्यक हो जाता है, अगर रक्त स्राव अपने आप अगर नहीं रुकता है तो स्तंभन चिकित्सा की आवश्यकता हमें पड़ती है, और उस वक्त हमने क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए उसका मार्गदर्शन अभी इस श्लोक में हम देखेंगे। सबसे पहले स्तंभन चिकित्सा के लिए रक्ते तु अवतिष्ठति क्षिप्रम, इस श्लोक में जो बताया है उसका विवेचन हम देखेंगे। तो रक्त मोक्षण किसी कारणवश मुख्यतः हमने जो ग्रंथ में पद्धतियां बताई है उसको अगर हमने ओवररूल किया तो ही ये स्थिति आती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हमसे हो गई और हम अभी वो रक्त जो है वो नहीं रुक रहा है, तो उसके लिए जो विधि है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हमने जो प्रयास करना है, इन पूर्व कर्म में हमारे पास ये प्रियंगु है या लोद्र है इस प्रकार के, या फिर माश है, यष्टि है, गैरिक है, ये द्रव्य हमारे यहाँ होने चाहिए पंचकर्म सेंटर में, तो ही हमने रक्तमोक्षण के लिया। यानी जो हम पूर्व तैयारी बोले रुग्ण की या उपकरणों की, उसमें ये द्रव्य भी होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, खास करके पद्मकादि गणों में से जो शोधनादि गण संग्रह 15वां अध्याय है उसमें जो द्रव्य बताए उसकी बहुत ही आवश्यकता रहती है, और इनका बाह्योपयोग केवल नहीं करना है, पद्मकादि ड्रग जो यूज करने हैं हमें वो खास करके वो आभ्यंतर उपयोग के लिए करना है, ठीक है, और इस प्रकार से उसको हमने रोकने का प्रयास करना है। तो डाइट जो है, या हमें क्या कहेंगे उसको, संसर्जन क्रम एक विशिष्ट पद्धति से अगर आपने आभ्यंतर स्नेहपान करवाया है, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्धमान पद्धति से बाह्य स्नेहन करवाया है, बाह्य स्वेदन करवाया है 5 दिनों को, और फिर छठे दिन आपने रक्तमोक्षण करवाया है, स्थिरावेद किया है, तो उसके लिए जैसा वमन विरेचन में अन्नकाल बताया है उस पद्धति से ही करना है। लेकिन उसी दिन हमने इंस्टेंट, ठीक है, या एज ए इमरजेंसी रक्तमोक्षण या शिरावेद करवाया है, तो उस वक्त उस दिन इस व्यक्ति ने क्या खाना चाहिए इसका मार्गदर्शन हमें इस श्लोक में मिलता है। विशेषतः न अति उष्णम, न अति शीतम, लघु दीपनीयम रक्ते, इस प्रकार से उसको हमने खाना देना चाहिए। तो विशेषतः पथ्यकर आहार इसे हम कहेंगे, शिरावेद विधि से अगर रक्त निराहरण किया है तो विशेषतः आहार या पेय जो है वो हितकर होना चाहिए। तो हितकर इस टर्म का विवेचन तुरंत ही कर देते हैं वाग्भटाचार्य, न अधिक गर्म हो न अधिक शीत हो,
लेकिन वो पचने में लघु यानी सुपाच्य होना चाहिए, अग्निवर्धक दीपनीय होना चाहिए, क्योंकि विशेषतः रक्त मोक्षण वो अव्यवस्थित हो जाता है, और अव्यवस्थित होने की वजह से पाचक इत्यादि जो शरीरस्थ अग्नि है उनकी रक्षा भी आवश्यक हो जाती है। और अन्य भाषा में अगर इसको समझने का हम प्रयास करें, जब भी अगर वो विकृत भी है फिर भी धातु क्षीण हुआ है तो वहां पे वात दोष वृद्धि होगी और इसके वजह से अग्निवैषम्य होगा, और अग्निवैषम्य होने की वजह से हमें उसकी अग्नि की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। सुश्रुताचार्य जो है बहुत ही क्लियरली इस विषय को समझाते हैं कि रक्त धातु क्षीण हो जाने पर, रक्त का स्राव हो जाने पर पाचक अग्नि मंद हो जाती है और वात दोष प्रकोपित हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार का आहार जो देना चाहिए, विशेषतः हल्का स्निग्ध, और एक विशेष शब्द प्रयोग सुश्रुताचार्य जी करते हैं, रक्तवर्धक और खट्टा और मीठा, यानी सोअर और सॉल्टी, इंटेस्ट सॉरी सोअर और स्वीट, इन टेस्ट जो है वो आपके आहार में होनी ही चाहिए। तो ये हो गई स्थिति अपने इस बारे में। के बाद में जो है वो डाइट की तरफ, अगली स्लाइड्स की तरफ हम जाएंगे, उससे पहले और कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे, विशेषतः वात रक्त का जो रुग्ण है उसके लिए किस प्रकार से मीडियल मार्जिनल वेन से रक्त मोक्ष किया जाता है वो अबे हमने देखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कड़सी अग्निवेश, आप यहाँ पे देखेंगे उसको टर्निकेट बांधा गया है, एक थ्रेड है उससे उत्थापन अच्छे तरीके से हुआ है, और फिर ये यहाँ पे क्या स्थिति है रक्त की, इसके लिए पंचर करके पहले देखा है एक जगह पे, और फिर एक्चुअल पोजीशन जो है वो लिया है गुल्फ संधि की। और अगेन यहाँ पे जो नीडल यूज की गई है 18 नंबर ही है, सिंपल नीडल है, अगर आप टर्निकेट टाई नहीं करते हो उसको यंत्र यह शब्द प्रयोग जो आया है बहुत ही, देखिए आप बहुत ही गाढ़ा वर्ण का या कृष्ण वर्ण का वात दूषित यह रक्त हमें पता चलता है, और ये आप केस भी देख सकते हो, नोन केस ऑफ गाउट है, या अंगुष्ठ के जगह आप उसको शोथ देख रहे हैं। बिल्कुल ही कृष्ण वर्ण का रक्त है, देखिए तो यहाँ पे टूर्निकेट अनटाई करने से पहले ही पूरे शरीर का रक्त नहीं आना चाहिए, लोकल ही रक्त आना चाहिए, ये उसका मेन दृष्टिकोण नहीं है टूर्निकेट बांधना। टूर्निकेट बांधना उत्थापन अच्छे से हो और वेन हमें अच्छे से पंचर करने के लिए पकड़ में आए, उस प्रकार से ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे फिर वो लूज करने के बाद बिल्कुल ही उसका रक्त स्राव जो है वो थम जाता है और फिर उसको अनटाई किया है। आगे जो कुरपर संधि से खास करके सिफेलिक या मीडियन क्यूबाइटल वेन, इसमें से रक्त मोक्षण सिराबेद पद्धति से कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ जो ज्वाइन हुए हैं उनको शायद ये जो है चीजें उतनी भाएगी नहीं शायद, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऑडियो विजुअल जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे
इस पद्धति का आप भी लेक्चर में अगर उपयोग करोगे तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, ऐसे मुझे काफी फीडबैक मिले हैं। हालांकि हम खुद नहीं बना पाए, जैसे मैंने कहा आपको कि 99 से 2006 तक मैंने पंचकर्मा में फुल टाइम काम किया है। देखिए टर्निकेट बांधा है, यहाँ पे थोड़ा पंक्चर करने के बाद, अगर आप एक्सपर्ट ये डॉक्टर साहब नहीं थे ऐसा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रिकॉशन ले तो ये डरावना जो है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती और अच्छे से उसका श्रावण भी हो पाता है। तो माइग्रेन का पेशेंट था तो उसके लिए ललाट से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ललाट के लिए रुग्ण तैयार नहीं होते, तो ऐसे वक्त हम किसी अन्य स्थान का भी जो नजदीक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे को आपको ये तीन वीडियो खास करके दिखाने की इच्छा थी। आहार वर्णन के बाद, उसको क्या पथ्यकर आहार है, उसके बाद ये शुद्ध रक्त जो है वो बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध रक्त अपने प्राकृत शरीर की स्थिति के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसके लक्षण हमें अंत में दिखाई देते हैं, और ये वाग्भटाचार्य जी का वैशिष्ट्य है। बहुत सारी चीजें वो अंत में हमें बिल्कुल ही संक्षिप्त सारांश क्रीम जो है वो बताते हैं। रक्त शुद्धि के लक्षण हमें बताए हैं, जिसमें विशेषतः उसका वर्ण प्रसन्न हो, ज्ञानेन्द्रिया प्रसन्न हो, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो, श्रोत्र आदि अर्थों को ग्रहण करना चाहता हो, उसके लिए उद्युक्त हो, पाचन क्रिया में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो, और विशेषतः सुख पुष्टि बल युक्त वह व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को विशुद्ध रक्त वाला पुरुष कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें विशेषतः वर्णन मिलता है वाग्भट की दृष्टि से। तो संपूर्ण चिकित्सक होने के लिए, अष्टांग आयुर्वेद में प्रवीण होने के लिए रक्त मोक्षण अगर कोई वैद्य नहीं करता है तो वो पूरी चिकित्सा नहीं करता, ऐसे में प्रामाणिकता से कहना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर आप स्किलफुल हैंड डेवलप करें तो ये बिल्कुल ही आवश्यक और सहजता से आप कर सकते हो, और ओपीडी लेवल पे भी आप कर सकते हो। अगर 10 मिनट और बाकी है आपके, अगर कुछ प्रश्न है तो वो जरूर पूछिए। यस धन्यवाद सर, काफी अच्छा सेशन रहा है आपका। वो और खास सर करके हमारे मैंने आयुर स्टूडेंट्स को फोकस करके लिया है। एक एक केस डिस्क्राइब करना ये थोड़ा अतिव्याप्ति हो जाता है चिकित्सा डिपार्टमेंट के लिए, ये मेरी यहाँ पे जो थोड़ी व्यवस्था थी आज सभी आप कह सकते हैं, इसलिए मेरे पेशेंट बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर नहीं कर पाता। हमें अभिमान है कि सर आप हमारे आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हो। यस ये तो मेरी सामाजिकता है, सामाजिक सर, दृष्टिकोण जो कुछ है। प्रश्न आपकी परमिशन है तो प्रश्न कुछ क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। बिल कई बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आए, का आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हमारे पीजी स्टूडेंट है डॉक्टर कबाड़ी, वो आपसे क्वेश्चन जी पूछना चाहते हैं। डॉक्टर कबाड़ी जी, जी प्लीज 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 आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी सर, डॉक्टर हेलो, कबाड़ी, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आवाज जी, आ रहा जस्ट है। राइट, हाँ प्लीज सर, प्लीज। हाँ मेरा क्वेश्चन ऐसा है, ये जो रक्त मोक्षण है इसके पहले खाना खाने को बोलते हैं, ये ऐसा क्यों है? 45 मिनट्स बिफोर। यस, वो मैंने बताया कि इंस्टेंट प्रोसीजर के लिए, यानी आप उसको 5 या 7 दिन के लिए वमन विरेचन जैसा उसको पूर्वकर्म अगर नहीं करवाते हो, स्नेहन स्वेदन आभ्यंतर स्नेहपान वर्धमान पद्धति से नहीं करवाते हो, तो बहुत जगह ओपीडी लेवल पे जब करवाते हैं तो दोष उत्कृष्ट है पहले से, उनको और प्रवोक करना है, उत्कृष्ट करना है, तो वो व्यंजन के तौर पे उनको दिखाया दिया जाता है।
मेरे एक वरिष्ठ गुरु है डॉक्टर जुवेकर सर, वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि जैसे आपको अगर शिकार करनी है तो बकरी सामने बांधनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा आहार दिया जाता है कि जिससे वो दोष जो है वो ज्यादा मात्रा में प्रोवोक हो जाए, उपस्थित हो जाए, और उनका निर्हरण हम आसानी से कर सकते, ठीक है। तो होपफुली यू हैव सैटिस्फाइड विद द आंसर। और कुछ उसमें बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, जैसे वहीं से क्यों निकलता है दूषित रक्त, हम वेने पंक्चर करते हैं, वेन को पंक्चर करते हैं तो वो कैसे निकलता है, तो इसके लिए और हमारे विद्वानों ने कुछ उसके बारे में चर्चाएं मैंने सुनी है, उसके बारे में भी बता दूं कि अगर आप नदी का प्रवाह देखोगे तो सिराए नदी के प्रवाह की तरह आप देखो, और नदी का अगर आप प्रवाह देखोगे तो जो भी गंदी चीजें है वो बाहर की तरफ वो नदी फेंकती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप वेन पंक्चर करोगे तो वो जो आपकी नीडल रहेगी वो पेरिफेरी की तरफ ज्यादा रहती है, वेसल के वॉल की तरफ ज्यादा रहती है इंटरनल की, और फिर वही रक्त जो है वो बाहर निकलता है, ऐसी धारणा या स्पष्टीकरण सीनियर से मैंने सुना है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे हम वात पित्त कफ लेबोरेटरी नहीं दिखाई देते और हम उसको हम अनुमान से जानने का प्रयास करते हैं कि भाई पहले लक्षण थे और फिर रक्तमोक्षण करने के बाद या सिराभेद करने के बाद उसकी जो सूर्यावर्त व्याधि था या वात रक्त व्याधि था वो कम हो गया है, इसका मायने ये रखा हो जाता है कि उसका बिल्कुल ही फायदा होता है, ठीक है। यानी इसी पद्धति से उसको फायदा हुआ। या थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज सर। उदर व्याधि में कहां पे रक्तमोक्षण करना चाहिए, पेट पे? ये उदर व्याधि में कहां रक्तमोक्षण करें? उदर व्याधि में नाड़ी यंत्र का इस्तेमाल करके जल विस्रावन का निर्देश दिया गया है, ठीक है। और विशेषतः अगर यकृत दाल्योदर है तो राइट क्यूबाइटल फोसा से उसको कर सकते हैं, अगर उसमें यानी यकृत से संबंधित संप्राप्ति है तो, ठीक है। Any more question please? You can ask. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर मर्मों का सिरा वेद में क्या महत्व है? बिल्कुल, अवेद्य सिराओं का बहुत ही विस्तार से सुश्रुताचार्य जी ने उल्लेख या मार्गदर्शन किया है। अवेद्य सिराए 600 से ज्यादा बताई है, और वो प्रायः वो स्थान जो है वो मर्म स्थान है, और मर्म की व्याख्या तो आप जानते ही हो, जहाँ पे जंक्शन है यानी बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, उन स्थानों को अवॉइड करना है, उन सिराओं को, ठीक है। तो बिल्कुल ही ग्रंथ नहीं, जो है वो मर्म मर्म भी है एक प्रकार से, या प्राणायतन ग्रंथ करके है। ग्रंथों में सिप्र मर्म के आघात से आक्षेप आता है ऐसा बोला है, तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ क्या पिक करने के बाद वैसे वेगल आ गया वगैरह ऐसा? बिल्कुल ही नहीं। अगर आप रुग्ण को अच्छे तरीके से समझाओगे और क्या होगा, जैसा मैंने आपको वीडियो प्रयास किया, तो आज आप रुग्ण को अच्छे से जानकारी देंगे तो बिल्कुल ही वैसे वेगल शॉक नहीं आता, और यही ही अर्हता अनर्हता जो है वो देखना जरूरी है, वही हम नहीं देखते, इसलिए एक्सीडेंट या अनफॉर्चुनेट जो आपत्तियां है या इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्षिप्र कर्म में हम आग्रह करते हैं, जैसे कि हमने देखा तो गुरुग्रसी व्याधि में भी, लेकिन क्षिप्र कर्म में आघात नहीं कर रहे हैं, हम उसे पंक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो आघात एक ट्रॉमा है। हेलो, थैंक यू सर। Any question? Any more question? हाँ सर, ग्रंथों में कुठारी का एक एक करूं। मैडम बात कर रहे हैं, मैडम बात कर रहे हैं, मैडम पूछिए आप। हाँ ठीक। नेत्र रोग में शंख प्रदेश के स्थान पे शंख प्रदेश क्या रक्तमोक्षण करने को बोला है, तो ऐसा कुछ अनुभव है आपके पास? मैंने विशेषतः ट्रॉमा का केस था, ठीक है, और मैं हमारे हॉस्पिटल या ओपीडी का नहीं है, मैंने केस वो देखा है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, हमारे सीनियर ने ट्रीट करते हुए, और वो ज्यादा पुराना नहीं, 5 साल पुराना केस है,
और यहाँ पे अवगाढ़ रक्त है, यह स्थिति होने की वजह से विजन जो है वो बिल्कुल ही कम हो गई थी, 10% विजन बाकी थी, और ऐसे स्थिति में अपांग मर्म से शिराभेद करने की वजह से, यानी एक्चुअल अपांग मर्म नहीं, जैसा आपने कहा शंख मर्म के प्रदेश से किया, और उसमें बिल्कुल ही आधे घंटे में विजन जो है वो क्लियर होते हुए हमने खुद देखी है, और हमारे गुरुजन की वो सौभाग्य आज की अच्छी है, यानी नेत्र रोग कर्ण रोग करना ही चाहिए। जैसे आपने अग्नि कर्म का अगर देखोगे तो आप वात पित्त कफ और रक्त इन सब को एड्रेस कर चुके हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर अग्नि कर्म करना है, उसी प्रकार से वात पित्त कफ की चिकित्सा यानी क्रम से बस्ती लेचन और वमन इनकी इनको कराते हुए या करने के बाद भी बार बार हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें रक्तमोक्षण करना ही है, या आप रक्तमोक्षण या शिराभेद की स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इससे रिजल्ट जो है वो क्विक आते हैं, लेकिन पूरे तरीके से व्याधि आपको ठीक करने के लिए आपको अन्य पंचकर्मों का सहारा देना ही पड़ता है। और कुछ हेलो, ग्रंथों में सीरा तोड़ा ऐसा वर्णन आलेला है, सीरा तोड़ा उसके बाद अग्निकर्म करो ऐसा बताया गया है। जी जी, वो अग्निकर्म किस लिए बताया, वो मैंने जैसे बताया आपको फ्लेबोटॉमी या वेनेसेक्शन, ये व्यध शब्द से अर्थ पता चलता है हमें, यानी जिसे कुठारी का शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, यानी आपने जो मराठी में शब्द उच्चारण किया अभी सिरा तोड़ा, ठीक है, और उसको कॉटराइज करने के लिए या फिर उसका जो प्रवाह है वो रोकने के लिए अग्निकर्म बताया, ठीक है। ओके यस, मेनी थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो इसके बाद मैं हमारे डॉक्टर श्रीलंकर छापेकर कोऑर्डिनेटर, हेलो, ऑप्शन बंद कर दूं सर? हाँ सर, बंद किया तो भी चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सभी को प्रणाम। आज हमको एक बहुत ही विद्वान और अभ्यासपूर्ण लेक्चर सुनने को मिला है वैद्य मनोज चौधरी सर ने। आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। ओके, अभी सुनाई दे रहा है सर? जी जी, अभी सुनाई दे रहा है? जी जी, वैद्य लोगों की, हमारे स्टूडेंट्स की और सभी कॉन्सेप्ट्स काफी सारी क्लियर हुई है। पंचकर्म जैसा प्रोसीजर हम शिराव्रत का जान चुके हैं सर से, और शिराव्रत के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से प्रकार में पूर्व कर्म क्या क्या होना चाहिए, पश्चात कर्म क्या क्या होना चाहिए, और ये जो कैसे होना चाहिए, कुछ प्रकार के वीडियोज भी सर ने हमको बहुत अच्छी तरह से समझाए, कुछ केस प्रेजेंटेशन भी इसमें हुए। ये परिपूर्ण लेक्चर था हम सब लोगों के लिए। थैंक यू सर। हम हमारे ओपीडी में, हम हमारे क्लिनिक में, हम हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे पंचकर्म और शिराभेद करेंगे, और अगर इसमें कोई हमको क्वेरी हो, हमारे स्टूडेंट्स को क्वेरी हो, तो हम जरूर आपसे मदद लेंगे सर। और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन सर ने हमको आज दिया है, और ताकि सर हमारे आयुर्वेद टीचर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो हम सभी टीचर की तरफ से और हमारी आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से और हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और सभी स्टाफ की तरफ से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग, थैंक यू छापेकर सर। यस, थैंक यू सर। हमारे प्राचार्य डॉक्टर लोखंडे सर, थैंक यू सर, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लोखंडे सर। शायद डॉक्टर लोखंडे सर से संपर्क नहीं हो पा रहा है।